आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। तो आपने आपके पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो तपस्या की थी, उस तपस्या से आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको एक ऐसा मार्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि ये मैं से, इस आत्मभाव से हमको मुक्ति होना चाहिए, यही सोच करके अपने इच्छा की थी। इच्छा क्या थी? उस मार्ग की, उस रास्ते की। और वो रास्ता है, वो मार्ग है आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार छोटी घटना नहीं है। आज अब अभी भी अगर ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पे जाओगे ना, तो कई पहाड़ों में, कई गुफाओं में, कई साधु, कई संत केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, आत्म जागृति पाने के लिए साधना करते रहते हैं। उनको पता है कि ये एक जन्म में मिलने वाली घटना नहीं है। इस जन्म में आत्म साक्षात्कार पाएंगे तो अगले जन्म में वो मुक्त अवस्था पाएंगे, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो आपने भी कोई तपस्या की होगी, आपने भी कोई साधना की होगी, उसी कारण इस मार्ग में आए हैं। आपका और मेरा रिश्ता नाता इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से साथ में एक ही मार्ग पे चले हैं, एक ही रास्ते पे चले हैं, लेकिन वो समय नहीं था जो आज का समय है ना, वो समय पहले नहीं था। मैं भी था, आप भी थे, सब था। और दूसरा, इस जन्म में कुछ भी नया आपने प्राप्त नहीं किया है। जो रिश्ते प्राप्त किए वो रिश्ते पूर्वजन्मों में ही थे, जो धन संपत्ति प्राप्त की वो भी पूर्वजन्मों में थी, और वो भी सब छोड़ करके यहाँ आए। वो रिश्ते छोड़ करके आए, धन संपत्ति छोड़ करके, सब छोड़ करके यहाँ आए। यानी जो कुछ शरीर से प्राप्त किया था वो सब छोड़ करके आए। तो आपको ज्ञान हो गया कि जो शरीर से प्राप्त किया है ज्ञान है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है। मुक्त है ना, सब में से मुक्त हो जाना, सब में से डिटैच हो जाना। हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है समय। ये जो समय है ना, ये समय अति महत्वपूर्ण है। इस समय के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने आज से 700 साल पहले अपने काल में लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद एक ऐसा काल आएगा, एक ऐसा समय आएगा, जिस समय आत्म साक्षात्कार सामूहिकता में प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार कलेक्टिविटी में प्राप्त होगा। हम उसी समय में जी रहे हैं और ये आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। दूसरा, देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, तो आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और जब संवेदनशीलता बढ़ जाएगी ना, तो आप सामने वाले व्यक्ति के विचार भी समझ सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति क्या विचार कर रहा है वो भी समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो प्रकृति में क्या घटनाएं होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे का समय कैसा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी ध्यान से आपकी संवेदनशीलता बढ़ने के कारण ये सब होता है। जैसे गुरु शक्तियों ने 2019 में बताया था, आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला काल तनाव वाला है, टेंशन वाला है। तो वो 2 साल हमारे वैसे ही बीते और अभी भी समय अनुकूल नहीं है। ये भी मैसेज इस अनुष्ठान के पहले बताया गया था कि सामूहिकता से जुड़ो, कनेक्टिविटी से जुड़ो। अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, अलग अलग
परेशानियां हो सकती है, परेशानियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वातावरण वही है, तनाव वाला है, टेंशन वाला है। और दूसरा, ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है, आने वाला समय विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। और इसके अंदर देखिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का काल है, हम चौरास्ते पे खड़े हैं। ये समय, ये महाशिवरात्रि का दिन है ना, ये समझ लो हम सब चौरास्ते पे खड़े हैं। चौरास्ते में किस दिशा में जाएंगे ये अपनी चॉइस है, अपने चॉइस में हमको इस तरफ जाना है कि हमको इस तरफ जाना है। तो आप अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं, बुरी दिशा में भी जा सकते हैं। अच्छी दिशा में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सामूहिकता मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छा रहेगा। और अगर बुरी एरिया में जाओगे तो बुरे लोग मिलेंगे, बुरी सामूहिकता मिलेगी, बुरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज एक परिवर्तन का समय है, ये महाशिवरात्रि जो है ना, ये परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा विश्व स्तर के ऊपर परिवर्तन आने वाला है। होता था ना, देखिए जो लोग हिमालय में गए ना, वो लोग कभी वापस ही नहीं आए, तो उनको कोई पता भी नहीं चला, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जा करके मैं जब वापस आया हूँ ना, तो मैंने देखा वापस आते समय रास्ता ही भटक जाते थे, एरिया ही भूल जाते थे, जगह ही चेंज हो जाती थी। जहाँ पहले अच्छा भरा पहाड़ था वहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो जाता था, और जहाँ पे खड्डा था वहाँ पे पहाड़ हो जाता था। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है वो नीचे दिखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर दिखेंगे। तो एकदम प्रकृति में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। प्रश्न है हम ऊपर की ओर जा रहे हैं कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हो वहाँ नहीं रहोगे, कुछ तो भी चेंज आने वाला है, कुछ तो भी बदलाव आने वाला है। उस परिवर्तन के साथ अच्छी सामूहिकता को पकड़ो, अच्छी कनेक्टिविटी को पकड़ो, तो आप अच्छी सामूहिकता में अच्छे। और दूसरा, नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके अपने स्थिति को अच्छा करो ना। इस वर्ष को यही स्थिति को देखते ये समय अनुकूल नहीं है। मैंने सब साधकों को बोला है कि अभी सब बंद करके तुम अपना ध्यान रखो, समर्पण वर्ष घोषित किया है, अपना समर्पण बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ाओ। होता है ना, साधक गुरु कार्य करते हैं, लेकिन गुरु कार्य करते समय भी अपना मैं जीवित रहता है, मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। और दूसरा, ऐसा करके उस कार्य को अपने साथ बांध देते हैं, माने इससे भी आती, दूसरे ने किया हुआ गुरु कार्य भी मैंने किया करके बताते हैं। मैं मन ही मन हंसता हूँ, अरे तू तेरा भी बांधने से मना कर रहा हूँ, तू तो दूसरे का बांध रहा है। माने तुम अगर बांधोगे तो मुक्त कैसे हो गए? अगर गुरु कार्य करके अपने साथ बांधोगे तो वो पुण्य बांधने के बाद अगले जन्म में भोगने आना पड़ेगा ना। और मैं नहीं चाहता कि आपका अगला जन्म हो, मेरा भी ये आखिरी जन्म है, आपका भी आखिरी जन्म होना चाहिए। मेरे सारे प्रयत्न, सारे प्रयास उस हो रहे, और आपके सारे प्रयास अपने हो रहे कि आप अगला जन्म चाहते ही हो, मैंने गुरु कार्य करके भी अपने साथ बांधते हो। मैंने गुरु कार्य किया, मैंने, अरे जहाँ तुमने मैंने किया बोला तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा ना। और मैं नहीं चाहता हूँ आपके अकाउंट्स में कुछ जुड़े, इसलिए गुरु कार्य करो तो सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो, कभी भी अकेले करो ही मत। किसी कहीं से भी जाने का है, कुछ भी बताने का है ना, तो चार लोगों के साथ में जाकर के कार्य करो, तो कभी भी मैं का भाव नहीं आएगा। जहाँ पाँच लोग है वहाँ मैं हूँ, आपके साथ में मैं कभी नहीं रहता। इसलिए सामूहिकता के साथ रहो, कलेक्टिव के साथ रहो। एक दूसरा, ऐसे ही गुरु कार्य करते हैं ना, वैसे प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। जैसे वो मराठी में है ना, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी, जिने मुक्ति करी साधिली, यानी सीधा अर्थ मनुष्य ने लगाया कि परमात्मा के दरवाजे पे मंदिर में जाओ, वहाँ बैठो 10 मिनट तो मोक्ष मिल जाएगा। तो मनुष्य ने क्या करा, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर रोज जाकर के बैठने लग गया, और अहंकार भी निर्माण हो गया कि जैसा लिखा है वैसे मैं कर रहा हूँ ना, नियमित जाकर के मंदिर में आके ध्यान कर रहा हूँ, नियमित जाके मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही। लेकिन तूने जो समझा है वो, और ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
उन्होंने इस ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था, उन्होंने कहा था ये शरीर ही आपका मंदिर है। इस मंदिर के दरवाजे पे जाके यानी तालू भाग पे जाके अगर 10 मिनट बैठोगे यानी एक ऐसी अवस्था में बैठोगे, एक ऐसी स्थिति में बैठोगे जहाँ आपको कोई विचार नहीं है, आपका कोई देह भाव नहीं है, तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो लिखा क्या था और समझा क्या, ठीक उसी प्रकार से मैं साधकों को बोलता हूँ प्रचार करो, तो तुरंत वो प्रचार करने लग जाते शरीर से। मैं नहीं चाहता कि वो शरीर से प्रचार करे, मैं नहीं चाहता वो सब जगह बताते फिरे, मैं चाहता हूँ ध्यान करके मेडिटेशंस करके नियमित साधना से आप आपकी इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करो कि आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हो, आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित हो, आपके रिश्तेदार आपसे प्रभावित हो और वो आपको पूछने आए कि तू कौन से चक्की का आटा खाता है, कितना शांत रहता है, इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, तब जाकर के उसको बताओ ना। यानी मैंने बताया प्रचार करो, प्रचार बाहरी तौर पे नहीं करने का है, प्रचार भीतरी तौर पे करने का है। आप आपकी स्थिति बनाओ, आप एक पोस्टर बन जाओ, आप एक आदर्श बन जाओ कि आपको देख करके आपके आसपास वाले प्रभावित हो जाए। ऐसा ही एक अवसर आपको अप्रैल माह में मिलने वाला है। अप्रैल माह में स्पेशली सेंटर के प्रमुख, ये गुजरात के लिए कह रहा हूँ स्पेशल, सेंटर के प्रमुख सब जने एकत्र होकर के अपने धारा सभ्य को मिलो, क्योंकि 11, 12, 13 अप्रैल गुजरात विधानसभा में शिविर हो रहा है। वो धारा सभ्य को समझाओ ना समर्पण ध्यान क्या है, उसको साहित्य दो और उसके बाद में अपनी अनुभूतियाँ बताओ, अपने अनुभव बताओ और उसको बोलो कि विधानसभा के भीतर 3 दिन का शिविर हो रहा है, वो शिविर में जाकर के आप अटेंड करो। तब जितने सामूहिकता में समझाओगे, जितने, इसलिए मैंने बताया ना, वहाँ भी सामूहिकता में जाओ, वहाँ भी कलेक्टिविटी में जाओ, तो वो शिविर अगर समझ लो वो धारा सभ्य का स्थिति अच्छा हो गया तो आपके क्षेत्र के अंदर अच्छे कार्य होंगे, आपके क्षेत्र का विकास होगा। और दूसरा, ये विधानसभा की ओर से आयोजित है, किसी पार्टी की ओर से नहीं है, इसलिए सब पार्टियों के धारा सभ्य के पास जाओ, सबके पास जाओ। जिस प्रकार से गुरु कार्य सामूहिकता में किया जाता है, कलेक्टिविटी में किया जाता है, गुरु कार्य का अर्थ है एक पवित्र आत्मा ने परमात्मा के लिए किया गया कार्य, उसको गुरु कार्य कहते हैं। तो आप सोचो ना, अगर आप एक शुद्ध आत्मा बन के करते हैं, आप अगर एक पवित्र आत्मा बन के करते हैं, तो पहली बात तो आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि ये अपेक्षा कि ये कार्य करने के बाद में मैं किसी को प्रभावित कर रहा हूँ, ये कार्य करके मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ नहीं। केवल आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके आत्मा को अच्छा लगता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, आपकी आत्मा खुश होती है, आपका उसमें बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप प्रचार कार्य भी ऐसा करो कि आपकी आत्मा खुश हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो, तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है दान। दान भी ऐसा नहीं कि छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, यानी जब आप पे संकट आता है, जब आप पे तकलीफ आती है, जब आपको परेशानी आती है, जब परेशानी दूर हो जाती है तो दान करते हो, ऐसा नहीं। दान नियमित होना चाहिए। वास्तव में दान एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन दान का उद्देश्य
केवल और केवल अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है। दान केवल अपने को खुश करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए दान कर रहे हैं। दान किसी को रिश्वत नहीं है। आप रिश्वत के रूप में दान करते हो कि अगर ये मेरा काम हुआ तो मैं ये दूंगा, ये डोनेशन दूंगा, अगर मेरा कार्य हुआ तो दूंगा, ऐसा नहीं। और दूसरा मेरा क्या कहना है, मैंने देखा है ना, मारवाड़ी लोग वो जो बही खाता लिखते थे ना, तो सबसे पहले क्या डालते थे, 125 रुपया श्री गणेशाय नमः, मैंने गणेश जी का खाता खोल के 125 रुपये पहले उसको चढ़ाते थे और उसके बाद में बही खाता लिखते। मैंने देखे हैं ऐसे खाते, और अभी भी करते होंगे पता नहीं। तो कहने का अर्थ वैसा करो ना, एक नियमित करो। जैसे आप दुकानदार हो तो भले ही 1 रुपया डालो, रोज दुकान खोलने पहले 1 रुपया दान किया, उसके बाद में फिर दुकान चालू की। उसके बाद में अगर आप नौकरदार हो तो हर सैलरी के ऊपर नियमित, हर सैलरी के ऊपर ये दान किया। नियमितता रखो, दान के अंदर नियमितता होनी चाहिए। एक्चुअली दान के माध्यम से हम अपने आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, हम अपने आत्मा को खुश कर रहे हैं। और दूसरा, दान एक रुपया देंगे तो 1 लाख मिलेगा, ऐसा दान नहीं होना चाहिए। यानी आप फिर वो अगले जन्म का सोच रहे हो कि 1 रुपया अभी मैं दूंगा, अगले जन्म में मेरे को 1 लाख मिलेगा। मैंने फिर अगले जन्म का चाहत क्यों रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अगला जन्म ही नहीं हो, तो फिर चक्कर ही नहीं ना। तो इसलिए आप जो कुछ सोचो इस जन्म का सोचो, अगले आपकी सोच बदलो, आपकी सोच बहुत पुरानी है, उस सोच को बदलो। वो सोच अगर रहेगी, मैंने आप खुद बार बार सोच रहे हो अगले जन्म में मिलेगा अगले, एक। और दूसरा, अपने पाप कर्म काटने के लिए भी दान करते हैं कुछ लोग, वो भी ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। दूसरा एक ध्यान रखना, ये प्रकृति का नियम है, जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने पाप किया है वो पाप भोगना ही पड़ेगा, वो ऐसा दान करके कुछ भी होने वाला नहीं है, एक। दूसरा क्या होता है, हमने ना बचपन से एक ही लाइन में चले, पाना 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 पाना, मैंने बचपन से नंबर पाना, फिर अच्छी परीक्षा में पास होना, फिर अच्छी नौकरी पाना, फिर अच्छी सैलरी पाना, पाना 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 एक साइड में। तो एकदम इस साइड में जाना तो संभव नहीं है ना, एकदम इसमें से छूटना संभव नहीं। तो दान करके क्या है, एक बीच में अपन थोड़ा सा अपने को ब्रेक दे रहे हैं, एक अपने को तैयार कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं कि, लेकिन वो बेस केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, आत्मा को खुश करने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो उस दान का कोई महत्व है। तो दान केवल और केवल अपने आप को, अपने आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने, इसीलिए वो गुप्त दान का रहा है ना। पहले के समय में गुप्त दान कहते थे कि मैंने एक हाथ ने दिया हुआ दान भी एक हाथ को पता नहीं चले। दान की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन आप दान भी करते हो तो वो शर्तों के साथ, बोलते ना प्रेम के साथ, प्रेम कभी शर्तों के साथ नहीं किया जाता, ठीक उसी प्रकार से दान भी कभी शर्तों के साथ नहीं किया, ये होगा तो ये देंगे। वो कोई रिश्वत थोड़ी है, वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट दान नहीं है, रिश्वत दान नहीं है। दान अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, ये अगर सोचो, ये समझो। और दूसरा, नियमित ध्यान करो, इस समर्पण वर्ष में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, नियमित ध्यान करो। नियमितता नहीं है आपके जीवन में, जैसे दिवाली में लाइट जलते हैं ना, बंद चालू होते रहते, उसी प्रकार से आपका ध्यान है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। खाना ऐसा है कि कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो, सोते हो नहीं सोते हो, ऐसा नहीं है। जैसे जीवन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में उसको एक भाग बनाओ। दूसरा, दान से कोई अपेक्षा मत रखो कि दान करने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा, मेरे को ये, कुछ भी मत रखो। अपेक्षा हमारी साधना को दूषित कर देती है, हमारी पूरी साधना को मिट्टी में मिला देती है। अगर हमने अपेक्षा साथ रखी थी, शरीर की कोई भी अपेक्षा मत रखो, बिना अपेक्षा से नियमित ध्यान करो। अभी दीप प्रागट्य किया ना, उस समय बार बार वो दीपक बुझ रहा था, तो मुझे लगा ये आने वाली समय का संकेत है कि आने वाला समय अनुकूल नहीं है। ध्यान करके
मेडिटेशंस करके अपने आसपास एक अच्छा हवामंडल बनाओ, अपने आसपास एक ओरा बनाओ। वो ओरा बनाने के बाद में वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा के लिए आप किसी पे भी निर्भर मत रहो, मेरे पे भी निर्भर मत रहो, किसी पे निर्भर मत रहो। आप आत्मनिर्भर बनो। मैं आपको आपके जीवन में सशक्त करने के लिए आया हूँ, स्ट्रांग करने के लिए आया हूँ, मजबूत करने के लिए आया हूँ। और दूसरा, आपका और मेरा संबंध जन्मों जन्मों का संबंध है। आपको लगता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है। क्यों? आप देखो ना, एक थोड़े से दिनों के अंदर, थोड़े से दिनों में या थोड़े से सालों में तो छोड़ो, देखने मात्र से होता है ना, देखने मात्र से ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? कि मुझे आपने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा क्यों लगता है? कि मैं बहुत आपके करीब रहा हूँ, आपके पास रहा हूँ। यही कारण है वो आत्मा आत्मा को पहचानती है, आत्मा आत्मा को जानती है। आप नहीं जानते क्योंकि आप शारीरिक स्तर पे हो। क्या हुआ है? हमारा रूप बदला हुआ है, मेरा भी रूप बदला हुआ है, आपका भी रूप बदला हुआ है। ये रूप के कारण आज हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप आंखें बंद करो तो आपको अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा कि हमारा संबंध आज का नहीं है।